सुक्खू सरकार ने पलटा फैसला, अब पहली से आठवीं कक्षा तक सबको मिलेंगे वर्दी के पैसे। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र शुरू होने से पहले राज्य सरकार ने स्कूलों में गरीब बच्चों को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर अपना फैसला पलट दिया है। आज सोमवार को सरकार ने कहा कि अब पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी बच्चों को वर्दी के पैसे मिलेंगे। पहले सामान्य वर्ग के छात्र को इस लाभ से वंचित रखा गया था। पूर्व की भाजपा सरकार में 1 से 12 तक के छात्रों को निःशुल्क वर्दी मिलती थी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने फैसले को पलट के रख दिया है। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी बच्चों को वर्दी के पैसे दिए जाएंगे। जल्द सरकार इसको लेकर अधिसूचना जारी करेगी। पहले सरकार ने केवल आरक्षित वर्ग के छात्रों को वर्दी के पैसे देने का फैसला लिया था। बता दें कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ऊना के सौजन्य से चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चुरुड़ू में रविवार को खंड स्तरीय सामुदायिक जागरूकता एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में चिंतपूर्णी के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस शिविर में विद्यालय प्रबंधन समितियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के लिए शिक्षा में गुणात्मक सुधारों के लिए प्रशिक्षण दिया गया। विधायक सुदर्शन सिंह बबलू ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के सरकारी प्राथमिक स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं शुरू करने के लिए शिक्षकों ने जो योजना तैयार की है वह बेहतर है। उन्होंने कहा कि शिक्षा खंड अंब में 36 प्राथमिक स्कूलों में नर्सरी की कक्षाएं चलाई जा रही है, जबकि नए शैक्षणिक सत्र में 10 और स्कूलों में भी नर्सरी की कक्षाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकारी स्कूलों की तरफ से बच्चे ज्यादा आकर्षित हो, इसके लिए स्कूल प्रबंधन समितियों, शिक्षकों व अभिभावकों को मिलकर प्रयास करना होगा। सरकारी स्कूलों में शिक्षक आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। बबलू ने कहा कि अगर पूर्व विधायक ने समय रहते स्कूलों में रिक्त चल रहे पदों को भरा होता तो आज चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र में स्थित स्कूल में शिक्षकों की कमी नहीं होती। लेकिन पूर्व विधायक क्षेत्र का विकास करवाने के बजाय अपना विकास करने में लगे रहे। क्षेत्र के कई स्कूल अध्यापकों की कमी से जूझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह जल्द मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर इस समस्या को हल करेंगे। इस मौके पर जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा राकेश अरोड़ा, जिला समन्वयक मनीष परिमाल, तरसेम लाल खंड शिक्षा अधिकारी गिरधारी लाल, बीआरसी सुशील मल्होत्रा, अश्विनी कुमार, ब्लॉक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मास्टर प्रीतम सिंह प्रधान, नंदपुर श्रवण कुमार, बिट्टू स्वर्ण सिंह ढिल्लो प्रधान, बडूही जगदीश राम उप प्रधान, चौकी मनियार जीवन वाली उप प्रधान, खरियालाथ अशोक कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।